better sound right, boy. अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज हाँ जी हमारे साथ सनी हैं। सनी ने अभी चाइना में न्यू हैवी बाइक ली है, आपके साथ ये पीछे खड़ी है कुछ बाइक, तो इनसे पूछते हैं जी कितने की बाइक इन्होंने ली है और चाइना में लाइसेंस पहले लेना पड़ता है उसके बाद आप बाइक ले सकते हैं, तो क्या इनके पास लाइसेंस है और इन्होंने बाइक ही क्यों ली है, कार क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पर कार की प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हमने इनसे आज पूछने हैं, तो हमने इनसे आज खास टाइम लिया है, चलते हैं इनकी तरफ और इनसे पूछते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो जैसे कि ज़फ़र भाई ने बोला कि चाइना में लाइसेंस लेना पड़ता है, हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बाकी की कंट्रीज़ जो है ना वो आपकी कंट्री का इंटरनेशनल लाइसेंस यूज़ कर लेती हैं, लेकिन चाइना और दुबई आपकी कंट्री का इंटरनेशनल लाइसेंस यूज़ नहीं कर सकते, तो इधर आपको लाइसेंस बनवाना ही पड़ता है और वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस है, मुश्किल नहीं कहूँगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और हाँ मेरे पास लाइसेंस है, मैं आपको अपना लाइसेंस शो करवाता हूँ। ये जो ब्लैक है ये है मेरा लाइसेंस और ये है जो मेरी बाइक की एक कॉपी होती है, या इसको कह दो कि इसका एक सबूत है कि ये बाइक मेरी है, तो ये मेरे नाम पे है और ये मेरा लाइसेंस है। तो आपने जो अपना लाइसेंस है वो कैसे लिया है, आपके पास पहले पाकिस्तानी लाइसेंस था उसके ऊपर मिला है आपको, या चाइना में दोबारा आपने टेस्ट दिया है हर चीज़ दोबारा की है, कैसे मिला है? हाँ इसमें ये होता है कि अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है तो वो थोड़ा आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई ना कोई स्कूलिंग करनी पड़ेगी या स्कूल का सर्टिफिकेट, तो स्कूल का सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं मिलता, ये वो कंट्री नहीं है कि आप जान पहचान निकालो और स्कूल का सर्टिफिकेट ले लो, तो यहाँ पे आपको स्कूलिंग करनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट होगा और उसके ऊपर फिर आपको जो है ना लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, टेस्ट वगैरह होगा और आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो स्कूलिंग जो है वो बहुत महंगी है, 3000 RMB तक लग जाते हैं। स्कूलिंग का सर्टिफिकेट इस वो है बराबर हमारे जो पाकिस्तानी लाइसेंस है इसके, अगर आपके पास ये है तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अलावा आपको बस आप अपने पासपोर्ट की ट्रांसलेशन करवाओ, अपने पाकिस्तानी लाइसेंस की ट्रांसलेशन करवाओ, टोटल प्रोसेस में आपका तकरीबन 400 RMB लगता है और आपका लाइसेंस बन जाता है। अगर नहीं है तो उसके पास आपको एटलीस्ट 3000 लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तानी लाइसेंस है तो फिर आपको जो है वो चाइना का लाइसेंस जो है बनवाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता ना, आप वो लेके जाते हैं उसको अपना ट्रांसलेट करवाते हैं। हाँ, तो फिर आपका बन जाता है। सबसे पहला प्रोसेस यही है कि आप जहाँ पे रह रहे हैं आप वहाँ की अकोमोडेशन रजिस्ट्रेशन लें, उसके बाद फिर अपना पासपोर्ट और अपना लाइसेंस किसी अच्छी जो नॉमिनेटेड कंपनी है, जो रिनाउंड कंपनी है, उससे आप जो है ना अपना लाइसेंस और पासपोर्ट करवाए हैं ट्रांसलेट, ये तीन चीज़ें आपकी बहुत ज़रूरी हैं। ये आप उसके बाद जाएँगे वहाँ पर लाइसेंस वाली जगह पर, वो आपका टेस्ट करेंगे फ़िज़िकल वगैरह, और ये चार फॉर्म हैं आप उनको जमा करवाएं, वो आपको कहेंगे कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपके पास 45 मिनट्स होते हैं, 100 क्वेश्चन में से आपको 90 मार्क्स लेने होते हैं, तो 90 से बिलो होंगे तो आपका लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन जो है ना टेस्ट सबसे जो डिफ़िकल्ट कह लो या कॉम्प्लिकेटेड कह लो, क्योंकि चाइना के जो इसके ट्रैफिक रूल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी ये काम ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर ये बाइक कितने की दी है आपने ये वाली? इस बाइक का यार ये ऐसा है कि ये बाइक मैंने ली है 22,000 की और ये है 250 SR, वैसे इनसे नीचे की भी आती हैं, इससे ऊपर की भी आती हैं, अगर आपने चाइना में एक अपने बजट के मुताबिक लेनी है तो आप 4,000 से बाइक स्टार्ट हो जाती है अच्छी, लेकिन वो बाइक्स जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होती, उनका कभी मसला हो सकता है कि ये मतलब वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती, तो बेसिकली यही कि आप 7,000 से 8,000 RMB लगाएं, एक अच्छी बाइक आपको रजिस्टर्ड मिल जाएगी और वो आपके साथ अच्छा चल जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपने ये लिया है, ये 22,000 RMB की, यानी कि पाकिस्तानी में
4.5-5 लाख रुपए बनता है। इसमें पाकिस्तानी 4.5 लाख की आपने ये वाली बाइक ली है जी, तो आपने बाइक ही क्यों लिया? कार यहाँ पे कितने की मिल जाती है? इनकी कार जो है मेरे ख्याल से वो 10,000 में भी मिल जाती है। हाँ, ये काफ़ी लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे जो लोग मेरे साथ चाइना में है ना, उन लोगों ने बेसिकली ज़्यादा पूछा कि आपने कार क्यों नहीं ली, जब इतना पैसा लगाया तो बाइक ही क्यों लिया। तो ये कि पहले तो मैं आपको ये बता दें चलूँ कि कार चाइना में आप 10,000 RMB की ले सकते हो, और बाइक आपने लिया 20,000 RMB की है ना? 22,000 RMB। इट्स मीन कि कार की जो अपना प्राइस है, डबल प्राइस में आपने बाइक ली है जी, उसमें आपको सेकेंड अच्छी कंडीशन में जो है ना 10,000 से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद आप जितना गुड़ डालो उतना। इसका मतलब है कि अगर एक बंदे ने कार लेनी है तो आपकी बाइक की जगह दो अपना ले सकता है। हाँ, अच्छी कंडीशन में सेकंड हैंड दो बाइक कारें और एक कार भी ले सकता है अच्छी कंडीशन में। तो मैंने इसलिए लिया है कि क्योंकि चाइना में ऑलरेडी कार्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी पार्किंग जो है ना वो एक तो महंगी है और ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप हर महीने पे तो कर सकते हो, और लेकिन ये कि जहाँ पर हर जगह पर पार्किंग नहीं मिलती, मैं मेन सिटी में रह रहा हूँ तो मेरे लिए कन्वीनियंट है बाइक, कहीं भी आप साइकिल की जगह पे खड़ी कर दो, जहाँ पे नॉन पार्किंग ना हो कहीं भी खड़ी कर दो, कोई इशू नहीं है। बेशक पार्किंग ना भी हो लेकिन वहाँ पे नॉन पार्किंग का ना लगा हो तो आप खड़ी कर दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन कार के लिए आपको हर जगह पर पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी, हर जगह के पार्किंग पे करनी पड़ेगी। और हम जैसे कि स्टूडेंट्स वगैरह हैं, आप लोग भी स्टूडेंट्स होंगे, आपको पता है कि हर महीने बंदा जो है ना वो पार्किंग नहीं पे कर सकता, तो बाइक मैं कहता हूँ कि एक बहुत अच्छा। और उसके अलावा हम फैमिली वाले बंदे तो नहीं है ना, हमारे लिए तो ये डबल सवारी बहुत ज़्यादा बहुत सूट करती है, कभी फ्रेंड्स को बिठा लिया, कभी अकेले कहीं चले गए। तो आप अपना चाइना में, अब अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, इवन कि मैंने सुना है कि आपने पहले अपना कार भी ली थी ना चाइना में? जी, मैं ऑन वीडियो बताता हूँ, मैंने कार जब ली थी तब मेरे पास लाइसेंस नहीं था, तो और तब मैं सिटी से, मेरी जो यूनिवर्सिटी थी ना, मुझे एक्चुअली चाइना में हो गए 4 साल से ज़्यादा हो गए, तो मैं प्रीवियस यूनिवर्सिटी में बैचलर कर रहा था, वो यूनिवर्सिटी सिटी से 35 किलोमीटर दूर थी। तो 35 किलोमीटर सिटी से दूर मतलब कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे और कहीं भी आप पार्क कर सकते थे कार, और पार्किंग इजीली मिल सकती थी, तो मैंने पार्क कार ले ली। लेकिन फिर भी जब सिटी जाते थे तो पार्किंग ढूंढनी पड़ती थी, उसका यह था कि 5 युआन शायद थे एक घंटे के और 10 युआन पूरे दिन के, इस टाइप का कुछ उसका सीन था। तो अगर आप जब भी जाओ आपको 10 युआन पड़ ही जाएंगे, क्योंकि घंटा तो नहीं ना, कोई 10 युआन इसका मतलब है कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 300 रुपया, 300-350 रुपये। और अगर आपने दिल्ली की सिटी जाना हो तो डेली का 310, तो इसलिए जो है ना वो मैंने उस एक्सपीरियंस से भी सोचा है कि बाइक। तो आपने अपना नंबर कैसे अपना लगवाया? जो नंबर पहले था वही अपना चलता है यहाँ पे, कि जब आपने बाइक ली है तो नंबर चेंज करवाना? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम पाकिस्तान में बाइक करते हैं ना सेल वगैरह सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड, तो उसमें ये होता है कि आपका जो पहले का नंबर है ना वही अगले बंदे को ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन चाइना में ऐसा नहीं होता, चाइना में आपने वही आपकी हाउसिंग रजिस्ट्रेशन लेनी होती है पुलिस स्टेशन से, उसके बाद आपकी पासपोर्ट की, यहाँ पे बाइक रजिस्टर कराने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइसेंस नहीं भी है तो बाइक रजिस्टर हो जाएगी, लेकिन लाइसेंस नहीं है तो बाइक चलेगी नहीं, किसी ने पकड़ लिया तो मसला हो जाएगा। तो वापस आते हैं उस पर, आपको हाउसिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए, पासपोर्ट की चाहिए ट्रांसलेशन, उसके साथ आपको सिर्फ बाइक के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसके, इसके साथ आप जाएं तो वो आपको रजिस्टर कर देंगे बाइक। इसका मतलब है कि जब आपने बाइक ली है तो आपने फिर नंबर अपने नाम पे चेंज करवाया जी? नंबर अपने नाम पे हुआ है या आपने न्यू नंबर लिया है? न्यू नंबर लिया है मेरा, वो जो पहले का नंबर प्लेट थी ना उन्होंने वो फेंक दी, उसको ट्रैश में फेंक दिया, वो डिफरेंट नंबर था, ये जो है वो फिर उसके बाद बाइक मेरे नंबर पे नाम पे रजिस्टर हुई, ये नंबर जो है मेरा, मैंने खुद सेलेक्ट किया है। इसमें यह होता है कि सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास 180 सेकेंड्स होते हैं, उसके अंदर अंदर आपने जो है ना वो नंबर सेलेक्ट करना होता है, कुछ स्क्रीन पर होते हैं 20-25 नंबर, कि आपको वो 3 मिनट देते हैं उसके अंदर आप नंबर सेलेक्ट कर लें जी, 3 नंबर, ऐसा नहीं है कि सुबह से लेके बैठे लिस्ट नहीं, नहीं ऐसे अगर ज़्यादा टाइम देंगे तो फिर हर बंदा सोचता रहेगा मैं क्या लूँ मैं कैसे लूँ। तो ये कि उनके पास एक दिन में जितने नंबर अवेलेबल होते हैं वो सारे स्क्रीन पे शो हो रहते हैं, ऑलरेडी प्लेट्स बनी होती हैं, आपने एक सेलेक्ट करना है ठीक है, उसके बाद पैसे पे कर देने हैं, कुछ चार्जेस होते हैं, तो वो आपको उसी टाइम वो आपकी प्लेट दे देंगे, थोड़ी देर में वो सारा जो आपका, जैसे मेरी ये कॉपी है ये वाली, अब इसके ऊपर मेरा जो है ना नंबर भी प्रिंट है, तो ये मैंने नंबर सेलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने 5-10 मिनट में मेरी इन्फॉर्मेशन प्रिंट की, मेरा नंबर प्रिंट किया और मुझे जो है ना वो दे दी। तो इसके अंदर बैक साइड पर जो है मेरी बाइक की फ़ोटो लगी हुई है, ये प्रॉपर उन्होंने होता है कि ये रजिस्टर्ड बाइक है, इसकी फ़ोटो लगी हुई है। आपको लाइसेंस भी मैं दिखाते चलूँ, नज़र तो नहीं आएगा सही से लेकिन चलें, ये मेरा लाइसेंस है,
मेरा जो लाइसेंस है वो कार और बाइक का दोनों का मैंने बनवाया था, तो अभी मैं कार लूँ या बाइक लूँ तो कोई मुझे इशू नहीं है, लेकिन मुझे एक तो बाइक का शौक है और बाइक कन्वीनियंट है इसलिए। ये बताएंगे आपने अपना बाइक लिया तो इसके लिए आपने कोई अपना टैक्स भी होता है, सालाना टैक्स है या सिर्फ एक दफ़ा बाइंग टैक्स है, क्या है इसका? बाइक अगर आप बाइक न्यू लेते हैं तो आपको इसका जो है ना परचेज़ टैक्स पे करना पड़ता है। परचेज़ टैक्स अगर आप नहीं पे करेंगे तो आप इसको रजिस्टर नहीं कर सकते। जब मैंने बोला था कि आपको हाउसिंग रजिस्ट्रेशन चाहिए, डॉक्यूमेंट बाइक के चाहिए और वो पासपोर्ट की ट्रांसलेशन चाहिए, तो उसके साथ साथ आपकी परचेज़ टैक्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ आपने परचेज़ किया उसके ऊपर आप टैक्स नहीं पे कर रहे तो आपकी चीज़ इलीगल। मतलब एक दफ़ा ही सिर्फ आपने टैक्स पे किया है ना परचेज़ टैक्स? जी हर महीने या सालाना नहीं है? हर महीने नहीं होगा, एक दफ़ा परचेज़ टैक्स भी नहीं है। और इसकी इंश्योरेंस आप बस वो बहुत सस्ती हो जाती है, साल दो साल तीन साल पाँच साल की जैसे मर्जी करवा लो, कोई इशू नहीं है। चलें जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें एक दफ़ा आप अपना ट्राई भी करवाएं चला के, जी हमने ऑडियंस को दिखाना चाहते हैं जी। चलें इनसे जी हम बाइक के बारे में पूछते हैं जी, के बाइक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताएं जी। स्टार्ट हो गई अब, इसके सारा मीटर है ना, मीटर के बारे में कुछ बताएं जी। इसके मीटर है, ये इसका फ्यूल पेट्रोल का है ना जी, ये पेट्रोल को शो करवाता है। ये इसका माइलोमीटर है, ये स्पीड बाइक के टोटल गियर के बारे में बताएं। छह गियर हैं इसके, पहला गियर जो है वो नीचे हम डालते हैं, उसके बाद फिर सारे के सारे ऊपर की तरफ जो है। इट्स मीन के इसका जब हमने अपना पहला गियर डाला है तो वो नीचे को डलना है ना जी, पहला गियर डल गया है गियर जी, ये निकाल रहा हूँ अभी मैं बताता हूँ दोबारा। पहला गियर ऊपर को जो है वो नीचे को होगा पहला गियर डल गया पहला। हाँ जी, उसके बाद फिर दूसरा हम ऊपर को करेंगे, तीसरा चौथा पाँचवा छवा। निकालने कैसे हैं? निकालने भी ऐसे ही है, पहला दूसरा तीसरा। यानी पाकिस्तानी जो अपना बाइक है उसमें तो यानी कि छठा जो आखिरी है वो ऊपर को निकलेगा जो नीचे को डाला। अच्छा, सही सही, इसका मतलब